सेलिब्रेशन टीवी इवेंट्स ऑफ अ लाइफ। नेशनल मेडिकोज द्वारा होटल गेटवे ताज में हृदय रोगों की आधुनिक चिकित्सा पद्धति को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख वक्ता डॉक्टर राजकुमार गुप्ता, डॉक्टर दीपक अग्रवाल, डॉक्टर विनीत गर्ग और डॉक्टर हर्ष कुशवाहा ने हार्ट फेलियर अनमेट नीड पर अपनी अपनी प्रेजेंटेशन, इसके साथ ही हृदयाघात के दौरान आधुनिक ड्रग मॉलिक्यूल की उपयोगिता पर भी चर्चा की। ये जो CME आज ऑर्गेनाइज की जा रही है, ये मेनली हार्ट फेलियर के लिए की जा रही है। जो हमारा भारत सेवा का सम्मेलन होने वाला है 11, 12 और 13 जनवरी, ये उसकी शुरुआती रूपरेखा तैयार करने के लिए और उसके अंतर्गत जो टॉपिक कवर करने हैं उनके बारे में जानकारी अधिक से अधिक हम लोगों को मिले और जो आसपास के हमारे जो सोशल पीपल्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा मिले। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि सर्दी का सीज़न शुरू हो चुका है और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनको ठंड का और हार्ट इससे हार्ट का ब्लॉकेज होने का और इफ़ेक्ट होने का ज़्यादा चांसेस होता है, जिससे कि हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आज जो CME जो हमारी यहाँ पर होटल गेटवे में ऑर्गेनाइज की जा रही है वो हार्ट फेलियर के ऊपर है, जिससे कि हम आगे जो हमारा भारत सेवा सम्मेलन है 11, 12 और 13 जनवरी को उसके लिए अधिक से अधिक अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकें। हार्ट फेलियर की अगर बात करें तो ये क्या बच्चों में भी संभव है? हाँ, ये किसी भी उम्र में संभव है, लेकिन अधिकतर ये बुज़ुर्गों में और आफ्टर 50 ईयर इसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उस समय जो हमारी आर्टरी वगैरह होती हैं वो ब्लॉकेज हो जाती हैं। तो इसलिए ये जो सीजनल है, अभी जैसे विंटर स्टार्ट हो गया तो इसमें बुज़ुर्गों को विशेष ध्यान देने का इसमें ज़रूरत होती है, इसलिए हम हार्ट फेलियर से बच सकते हैं। अगर हाल फिलहाल के सालों में देखा जाए तो हाँ, इसके अंतर्गत काफ़ी मतलब जो आजकल के जो खान पान है उसके अंतर्गत और जो आजकल जो बच्चों की कमज़ोरी हो गई है, जिससे न्यूनेटल जो डिसीज़ होती हैं, जो बच्चों का हार्ट के अंदर प्रॉब्लम आती है, जिससे कि जैसे माएँ जो कमज़ोर हैं, जो अपने खान पान की तरफ ध्यान नहीं देती हैं या इस तरीके से, उनको हार्ट की जो मतलब नर्वस जो सिस्टम होता है उसके ब्लॉक होने का ज़्यादा चांसेस होता है। क्योंकि इसमें जो प्रेगनेंसी है आजकल, जो बच्चों का डेवलपमेंट जिस स्तर से होता है वो इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि आजकल प्रदूषण की समस्या है, पॉल्यूशन की समस्या है, खान पान की समस्या है। तो और क्या है, आजकल अपना जो मानसिक स्तर है, जो सभी लोगों का टेंशन है, लोगों की ज़िंदगी में सारी चीज़ें हैं, लोग अपने लिए अवेयर नहीं है, तो इन सारी चीज़ों का बच्चे के डेवलपमेंट पे काफ़ी असर पड़ता है, जिसके अंतर्गत उसका हार्ट पहले से ही बचपन से कमज़ोर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। देखिए, जाड़ों में हमेशा हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है, ख़ासतौर पर जो लोग इसके लिए प्रोन हैं, रिस्क फैक्टर्स जिनमें हैं, जो डायबिटिक्स हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको जाड़ों की वजह से हार्ट की डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ने के कारण हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो ऐसी कंडीशन में, जैसा कि सभी जो भी हार्ट अटैक के प्रोन लोग हैं उनसे कहा जाता है कि अपने ब्लड प्रेशर को, अपने शुगर को नियंत्रण में रखना है, धूम्रपान को त्यागना है और अब इस समय ठंड से भी बचना है, जिससे कि जो है एकदम से हार्ट अटैक जैसी स्थिति ना हो। किस लेवल के मरीजों को ज़्यादा एहतियात बरतने चाहिए? ख़ासतौर पे बुज़ुर्ग लोगों को एहतियात बरतने की ज़्यादा आवश्यकता है और उन लोगों को जिन लोगों को हार्ट अटैक होने की संभावना अधिक है, जैसे फैमिली हिस्ट्री है जिन लोगों की, और जो कि डायबिटिक हैं या जो धूम्रपान करते हैं, तो उन लोगों को हार्ट के केस में ख़ासतौर पर जाड़ों में अपने एहतियात बरतना चाहिए। आज के CME में क्या विशेष चर्चा होने वाली है? अभी एक नई दवाई आई है और वो हार्ट फेलियर में एक काफ़ी अच्छा कारगर सिद्ध हो रही है, उसके विषय में आज की CME पे चर्चा होगी कि उसको देने से क्या फ़ायदा हो सकता है, कैसे हम हार्ट फेलियर के मरीजों को कुछ राहत दे सकते हैं, जिन लोगों का हार्ट का पंपिंग पावर कम हो गया है उसको हम कैसे जो है, क्योंकि जिनका पंपिंग पावर ऑलरेडी कम हो गया है उनके लिए जीवन बहुत ज़्यादा दुष्कर हो जाता है, हर समय सांस फूलना, हर समय दिक्कत होना, तो उनको हम किस तरीके से आराम दे सकते हैं कुछ दवाई के बदौलत, वो हम डिस्कस करेंगे। यदि कोई इंसान जिसको चलने पर वो कंप्लेन कर रहा है कि मैं जब चढ़ाई चढ़ता हूँ या सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ मेरी सांस फूलती है, मैं थक जाता हूँ या मेरे पैरों में सूजन आने लगी है, तो हम ये मानते हैं कि उस पेशेंट को हार्ट फेलियर हो सकता है। और यदि हम उसकी जांच जब बॉडी की करते हैं तो अगर उसके पैरों में सूजन मिल जाती है, उसके गले की नसें फूली हुई मिलती हैं,
तो हमें ये लगता है कि इस पेशेंट को हार्ट फेलियर हो सकता है, फिर उसको हम फर्दर टेस्ट करने के लिए ECG और इकोकार्डियोग्राफी करते हैं जिससे कि डायग्नोसिस कन्फर्म हो जाती है। देखिए पहले बहुत साल पहले जो दवाएँ CHF के लिए टेस्टेड हुई थी वो आज भी काम करती हैं, लेकिन ये जो नया मॉलिक्यूल आया है उसको पुराने मॉलिक्यूल से कंपेयर किया गया है, तो इसका नाम है अर्नी, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर। इसको एनालाप्रिल करके पुरानी एक हार्ट फेलियर की दवा थी उससे कंपेयर किया गया है, तो ये देखा गया है कि कंपेयर टू एनालाप्रिल इससे और मोर्टिलिटी, पेशेंट की जो जीवन है वो बढ़ा है, पेशेंट को हॉस्पिटल में भर्ती होने की जो संख्या है वो कम हुई है, तो इस मॉलिक्यूल को ओवर एंड अबव। क्या कहना चाहिए कार्डियक मेडिसिंस में ये कौन सी जनरेशन है? ये आप इस दवा को अगर पहले वाली मेडिसिन को माने फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में थी तो इसको मान सकते हैं कि इस दवा ये फोर्थ जनरेशन में आई है। इसके अलावा बता दें नेशनल मेडिकोज आगरा में 11 से 13 जनवरी तक अपना राष्ट्रीय अधिवेशन भी आयोजित करने जा रहा है, इस संबंध में डॉक्टर राजकुमार गुप्ता ने जानकारी दी। आज जो NMO नेशनल भारत सेवा जो कॉन्फ्रेंस की ये प्री एकेडमिक सेशन है जो समय समय पर आम जनमानस के लिए उपलब्ध है, क्योंकि जो थीम है इस कॉन्फ्रेंस का जो भविष्य में जनवरी में होने वाली है विवेकानंद जयंती पर, कि रीऑर्गेनाइज मेडिकल हेल्थ सर्विसेज टू कॉमन पब्लिक। इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो संसाधन है, उपलब्धता है और जो वैज्ञानिक तर्क है उसको हम आम जीवन के आम जनमानस के जीवन में कैसे उतारें जिसका उसका जीवन सुरक्षित हो सके। तो आज सर्दियों में जो हम डॉक्टर लोग सोसाइटी को, हार्ट के मरीजों के परिवार को ये सचेत करते हैं और ट्रेनिंग देते हैं इस बात की कि आपको हृदय घात हुआ है या हृदय की कोई बीमारी है जिसके कारण हृदय का फंक्शन काफ़ी कम है, तो उसके साथ कैसे रहना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, कैसे खाना खाना चाहिए, कितनी एक्टिविटी करनी चाहिए, इसी पर परिचर्चा है। चूँकि समय समय पर वैज्ञानिक पहलू से चेंज होते रहते हैं और काफ़ी डेवलपमेंट है कार्डियक साइंस में, तो पहले जो हम हार्ट फेलियर में दवाइयाँ डिजॉक्सिन से लेकर के रेमिप्रिल से स्टार्ट करते थे, अब जो जर्नी है कि इंटीग्रेशन ऑफ बेसिक्स टू एडवांस मींस लेनोक्सिन टू आर्नी, आर्नी जो भी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि एक नया मॉलिक्यूल है जिससे हार्ट फेलियर के जो सिम्टम्स होते हैं उसमें काफ़ी कमी आती है और उसकी जीवनता मतलब उसकी काम करने की क्षमता, उसका रहन सहन और उसकी खुशहाल ज़िंदगी में काफ़ी बढ़ोतरी हो जाती है, और ये काफ़ी हद तक प्रमाणित हुआ है। अभी हमारी कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया में इस बात का चर्चा हुई थी कि अगर इस मॉलिक्यूल को हम समय रहते चालू करते हैं तो आप समय से पहले उसके जीवन की काफ़ी रक्षा कर सकेंगे और उसके परिवार को खुशियां दे सकेंगे। भारतीय जीवन पद्धति सही मायने में प्रिवेंटिव ही वर्क करती है। अगर हम जाते हैं एक वैदिक संस्कृति के अनुसार और स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम देखें तो हमारा जो रहन सहन है, जीवन शैली है, वो सारी बीमारियों के बचाव के कारगर में सहायक है। जैसे अभी पूरे विश्व में वर्ल्ड योगा दिवस मनाया जाता है, ये भारतवर्ष की देन है। अगर पूरे विश्व में अगर इंडियन किचन एज ए फार्मेसी, ये भारतवर्ष की देन है। मतलब हमारे मसाले बाहर एब्रॉड में जाते हैं तो आपको शोरूम मिलते हैं मसालों के, कि लौंग से, इलायची से, अदरक से, कि जो बुखार नहीं टूटता है टूट जाता है। और जीवन पद्धति में हमारे यहाँ जब कभी सर्दी है या गर्मी है या बारिश है या आपके बसंत आता है तो उसमें समय समय पर खान पान की पद्धति बदल जाती है। जैसे कि आप लोग घर में बाजरा खाएंगे, गेहूं छोड़ देंगे, गुड़ खाएंगे, तो ये गर्म तासीर के खाने हैं, तो ये बचाव की पद्धति है। नॉर्मल सर्दी जुकाम खांसी में तुलसी का प्रयोग करेंगे, काली मिर्च का प्रयोग करेंगे, लौंग का प्रयोग करेंगे। अब रही बात अगर मान लो अचानक जो जीवन शैली है मॉडर्न जीवन शैली, जैसे हम खराब जीवन शैली बोलते हैं, मॉडर्न जीवन शैली का मतलब ये है कि ना तो खाने का टाइम समय है, ना आपको आराम करने का समय है, और ना ही कितना खाना है कितनी मात्रा में। आप स्कूटर में पेट्रोल लिमिट अवस्था में डलवा लेंगे पर आप जब खाने को उतर आते हैं तो खाते ही रहते हैं, कोई समय नहीं है, तो उसे अव्यवस्थित जीवन शैली कहते हैं। हम जीवन को व्यवस्थित कर लें तो वही बचाव का कारण करती है। तो अभी आपने पूछा था कि भारतवर्ष की जीवन शैली बाहर की जीवन शैली में क्या अंतर है। बाहर जो लोग हैं काफ़ी व्यवस्थित हो रहे हैं, अपने कैपेसिटी जानते हैं, कैपेसिटी के अनुसार जितना खाते हैं उतना ही वो एक्सरसाइज कर लेते हैं, कैलोरी खर्च कर लेते हैं, जिससे जो ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ इसकी आम जनमानस में जानकारी का अभाव है। अभाव इसलिए है कि हम समय के रहते हुए बदल इस नहीं पाए कि अभी जो भी हम अनाज खाते हैं या खाना खाते हैं उसकी क्वालिटी कितनी है और कितना खाना चाहिए, कितनी मात्रा खानी चाहिए, हमें अपनी कैपेसिटी के अनुसार निर्भर करता है। हर आदमी का शरीर अलग अलग होता है और हर शरीर की अलग अलग आवश्यकताएँ होती हैं। इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और उसको कोई चिकित्सक उसको खान पान रहन सहन के बारे में बताता है तो जो उसकी दवा है रामबाण हो जाती है।
होटल गेटवे ताज में संपन्न हुई सीएमई में शहर के करीब 1.5 दर्जन हृदय रोग विशेषज्ञों ने भाग लिया और वक्ताओं द्वारा हृदय रोगों पर दी गई प्रेजेंटेशन को ध्यानपूर्वक भी सुना।